हेलो एवरीवन, तो कैसे आप सभी। तो मेरा नाम है विवेक और आप देख रहे हैं कॉलेज अपडेट, जहां आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट प्रोवाइड होती है। एक्चुअली मैंने लास्ट वीडियो एक डाली थी प्रमोशन को लेकर, जिसमें कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सोल से बिलोंग करते हैं। सोल के स्टूडेंट तो बेसिकली है ही है दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर, तो उनको ये कन्फ्यूज़न है कि सर क्या सोल के स्टूडेंट भी प्रमोट होंगे। और बेसिक सी ये बात ये है कि ये जो प्रमोशन है ये है क्या। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये जो प्रमोशन नोटिस जो निकाला गया है दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, ये 26 जुलाई को निकाला गया है, ठीक है। ये पुराना नोटिस है, बट इसके बारे में हमने डिस्कशन नहीं किया था क्योंकि आपके एग्ज़ाम थे। अगर एग्ज़ाम के पहले अगर हम इसके बारे में डिस्कशन कर देते तो स्टूडेंट जितना भी सीरियस है उतना सीरियस नहीं होते। तो देखिए, बेसिक सी बात है जो मैं आपको सीधी बातों में समझाऊँगा। एक्चुअली ये जो नोटिस निकाला गया है दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से निकाला गया है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की तरफ से अगर कोई भी ऑर्डर या नोटिफिकेशन आता है तो वो दिल्ली विश्वविद्यालय के जितने भी कॉलेजेस हैं, चाहे रेगुलर कॉलेज हो, चाहे सोल हो, चाहे एनसीबैप हो, सारे कॉलेजेस में इम्प्लीमेंट होता है, मतलब सारे कॉलेज में लागू होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि क्या सोल के स्टूडेंट भी प्रमोट होंगे, क्या प्रमोशन मिलेगा। तो मेरा जवाब है यस, सोल के सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनको प्रमोशन मिलेगा। आप जरा ये जान लीजिए प्रमोशन ये है क्या। देखिए, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया होगा, और कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर का भी नहीं दिया और सेकंड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम नहीं दिया। अब ऐसी कंडीशन में वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर का नहीं दिया, अब वो तो एक तरीके से उन्होंने तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम दिए ही नहीं, क्या वो नेक्स्ट ईयर में जा सकते हैं। तो मेरे अभी तक जो अपडेट ये था, अभी तक जो इसमें रूल ये था कि आप नेक्स्ट ईयर में जाने के लिए आपको अपना एक सेमेस्टर क्वालिफाई करना पड़ता है, तो ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में जा सकते हो। बट इस नोटिस के आने के बाद अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर भी नहीं दिया, सेकंड सेमेस्टर भी नहीं दिया, या किसी में बैक आ जाती है, तो भी आपका जो एडमिशन वो सेकंड ईयर में हो जाएगा, आप बिल्कुल एलिजिबल हो जाओगे, आपका प्रमोशन कर दिया जाएगा नेक्स्ट ईयर में। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या जो एग्ज़ाम हमने नहीं दिए फर्स्ट के या सेकंड सेमेस्टर जिनमें बैक आई है, क्या उन एग्ज़ाम को हमें दोबारा से देना होगा। जी हाँ, आपको उन एग्ज़ाम को, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का अगर आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, किसी में अगर बैक आ गई है आपकी, तो उस एग्ज़ाम को आपको थर्ड सेमेस्टर के साथ देना होगा। और अगर सेकंड सेमेस्टर में अगर आपकी बैक आ गई है, उस एग्ज़ाम को नहीं दिया होगा, तो सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो आपका फोर्थ सेमेस्टर के साथ होगा। एग्ज़ाम को आपको देना होगा, जब तक उन पेपरों को आप पास नहीं कर लेते तब तक आपकी ग्रेजुएशन क्लियर नहीं मानी जाएगी, जब तक आपके सारे पेपर पास नहीं हो जाते। तो फिर कई स्टूडेंट कहीं से इसका प्रमोशन का मतलब ही क्या है, एक बार बताए प्रमोशन क्यों नहीं हो सकता। आप सुनिए, मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में फेल हो गए, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में आप फेल हो गए, और आपके डैशबोर्ड पे एडमिशन लिंक आया ही नहीं सेकंड ईयर के लिए, तो आप क्या करोगे, आप फर्स्ट ईयर को दोबारा एडमिशन लोगे। बट इस कंडीशन में क्या होगा, आपका सेकंड ईयर में भी एडमिशन हो जाएगा, और जितने एग्ज़ाम में आपकी बैक है या जिन जो एग्ज़ाम आपने नहीं दिया है फर्स्ट ईयर में, उनकी फ़ीस पे करके आप उन एग्ज़ाम को भी अपने सेकंड ईयर के साथ दे सकते हो, जो भी डेट शीट आएगी उसके अकॉर्डिंग। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये मौका मिला है कि आप सेकंड ईयर में भी इन एग्ज़ाम को दे सकते हो जिनमें आप फेल हो गए हो या जो एग्ज़ाम आपसे छूट गए हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि दिल्ली विश्वविद्यालय ने आपके साथ खेल खेल दिया। खेल क्या है, अब स्टूडेंट अगर अभी पढ़ाई नहीं करेंगे तो ये एग्ज़ाम अगर, जैसे मान लीजिए अगर आप छोड़ देते हो या किसी में फेल हो जाते हो, तो इन्हीं एग्ज़ाम को आपको नेक्स्ट ईयर देना होगा उन एग्ज़ाम के साथ, सेकंड ईयर के साथ। तो देखिए, फ़र्क तो उससे कुछ नहीं पड़ेगा, पढ़ाई का लेवल आपके ऊपर और बढ़ जाएगा, मतलब आपको और दुगनी पढ़ाई करनी पड़ेगी। पहले तो आपको अपने बैक वाले एग्ज़ाम निकालने होंगे जिनमें आपकी बैक आ रखी है या जिनमें आप फेल हो गए हो, और दूसरा जो आपको नए सब्जेक्ट सेकंड ईयर में मिलेंगे उनको भी क्लियर करना पड़ेगा, मतलब डबल पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। तो बेसिक सी बात है, ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला गया है ये सेकंड सेमेस्टर के ऑल स्टूडेंट है 2021 बैच के, उन सब पे ये लागू होगा, चाहे वो सोल से बिलोंग करते हो, चाहे वो रेगुलर से बिलोंग करते हो, चाहे वो एनसीबैप के हो। तो प्रमोशन आपको कर दिया जाएगा, बट शर्त ये है कि उन एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम आपके छूट गए हैं फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर है जिनमें आपकी बैक आ गई है, उनको आपको देना ही पड़ेगा अगर आपको अपना कोर्स कंप्लीट करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप उन एग्ज़ाम में भी पास हो गए जिनको आपने नहीं दिया, ऐसा नहीं होता यूनिवर्सिटी में। प्लस आपको फ़ीस भी पे करनी होगी जिन सब्जेक्ट को आपने नहीं दिया, हर सब्जेक्ट की फ़ीस होती है 400 रुपये से ऊपर, तो उन फीस को भी आपको पे करना ही पड़ेगा। तो आप कुल मिला के बात यह कि अभी आप अगर पास कर लोगे
तो फिर आपको इन इन पेपरों को दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको सेकंड ईयर में जो भी आपके नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे उन्हीं को आपको देना होगा। अगर आप इन्हें नहीं दे पाते, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिन्होंने स्किप कर दिया होगा फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज़ है कि वो उनके उनकी साल बर्बाद नहीं होगी। ठीक है, साल बर्बाद होने का मतलब 6 महीने आपका वेस्ट नहीं होगा। आप उनकी भी तैयारी कर लो जो आपसे छूट गए, जो नए सब्जेक्ट आपको मिलेंगे सेकंड ईयर में उनको भी आप दे सकते हो इनके साथ। तो ये है पूरा प्रमोशन क्राइटेरिया विश्वविद्यालय द्वारा जो कि नोटिफिकेशन में निकाला गया, सोल के स्टूडेंट पे भी लागू होगा। ऐसा नहीं है कि डीयू की तरफ से निकाला गया, सब रेगुलर पे लागू है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल स्टूडेंट 2021 बैच के। समझ में आ गई बात? तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।